हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और आपको खूब सारी विद्या दे, जिससे आपका करियर और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो आज जो है बसंत पंचमी का जो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो ये है कि बीएड के एडमिशन से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो, चाहे काउंसलिंग की बात हो। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको सारी डेट्स बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 फरवरी से आपके ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल रहेंगे 18 फरवरी से, और 18 फरवरी से 15 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अपना ऑनलाइन फॉर्म, ओके। एंड देन आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो 19 मई को होगा, और कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ओके। ऑफलाइन मोड में 19 मई को एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है डेट्स हो गई। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि शेड्यूल जारी कर दिया गया है, इस वर्ष भी छात्रों को ऑनलाइन ही आवेदन का मौका दिया गया है। 18 फरवरी से छात्र बीएड में दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, मतलब 15 मार्च जो है लास्ट डेट है। और उससे पहले यार जाहिर सी बात है, अब फॉर्म अवेलेबल है आपके करीब एक महीने तक, आप उस बीच में ही अपना फॉर्म भर दीजिए बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वरना क्या फ़ायदा आपको। उसके बाद भी फॉर्म अवेलेबल होंगे कुछ दिन के लिए, बट आपको एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी जैसा कि यहाँ लिखा है, जबकि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन 16 से 22 मार्च तक कर सकेंगे। जब आपने एक महीने में नहीं किया, तो अगर आप उन 15 मार्च के बाद अगर आप करते हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, और एक महीने के अंदर ही वो चीज़ आप अगर आपको फॉर्म फिल करना है, आपको बीएड करना है, तो ये 18 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में ही आप फॉर्म फिल कर दीजिए। क्या फ़ायदा, आपका एक्स्ट्रा चार्ज कुछ लगेगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर प्रवेश परीक्षा जो है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो कब होगा, 19 मई को होगी, वो भी ऑफलाइन होगी। छात्र अपने प्रवेश पत्र 10 मई से आप जो है आपको एडमिट कार्ड ये लोग डिक्लेयर कर देंगे, सो आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे और बताऊँ तो आपको डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश परीक्षा के परिणाम 20 से 25 जून, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। 20 से 25 जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर आपकी काउंसलिंग जो है ऑनलाइन 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 12 जुलाई से शुरू हो जाएगी, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, और आपके जानने में अगर किसी को बीएड करना है, तो ये आप हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि जैसे ही आपके लिए कोई नया अपडेट या कोई नया नोटिफिकेशन या कोई नई एडमिशन डिटेल्स, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, वो हम आपको अपडेट करें, और जिससे आपका जो है सेशन ना ख़राब हो, जिससे आपका ईयर ना ख़राब हो, आपका करियर अगर आप चाहते हो उस फील्ड में बनाना, तो आप उसमें बना सको। यहाँ पे बीएड की मैंने पूरी डिटेल्स बताई हैं, एक बार फिर से मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पे 1500 जनरल और ओबीसी का सेम जो है कॉस्ट रहेगा, फीस रहेगी, और 1500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे अनुसूचित जाति और SC ST जो है उनके लिए 750 है। विलंब शुल्क अगर आप 15 मार्च के बाद भी आपको 22 मार्च तक अवेलेबल रहेगा, बट उसमें आपको 500 फीस प्लस में देनी पड़ेगी, मतलब 1500 एंड प्लस 500, आपको टोटल 2000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक कि ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, अगर आपको करना ही है आप पहले ही कर लीजिए, जिससे आपको 1500 ही पड़े कॉस्ट पूरा उसकी फ़ीस, और आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़, ओके। यहाँ पे ये लेट वाला दिया है, और यहाँ पे ये नॉर्मल फीस दी है। गाइस, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी के लिए, जो मैंने सोचा कि आप सभी को शेयर करना चाहिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा,
सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।